दोस्तों आइए, वक्त काफी हो चला, मैं सीधे सीधे इस महफिल के इस महफिल का आगाज कर रहा हूँ बड़े ही अदब के साथ आपके दरमियान तिलावते कलामुल्लाह के लिए। जनाब हजरत कारी मूसा साहब से मुअद्दबाना दरख्वास्त करती हैं कि हजरत माइक पर आए और अपने तिलावते कलाम पाक से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज फरमाए। इस शेर के साथ हजरत कारी साहब का इस्तकबाल कि ये ख्वाहिश है कि दिल दीवाने सरकार हो जाए, ये ख्वाहिश है कि दिल दीवाने सरकार हो जाए, मगर ऐसा कि फिर आप आए तो होशियार हो जाए और नजर हर सूरत कुरान में आए आपकी सूरत, तिलावत करते करते आपका दीदार हो जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما صلاة ويوم
خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.
माशाल्लाह अभी आपके दरमियान जनाब कारी मूसा आजमी साहब बड़े ही खूबसूरत लबो लहजे के साथ इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज कर रहे थे। कारी साहब ने शोबे तजवीदो किरत के तमाम नशीबो फराज रुमुज़ो अवकाफ उसूलो सवाबित कवाइदो कानून के साथ कुरान पाक की तिलावत की। कारी साहब के सीने से निकलने वाली आवाज कुरान मुकद्दस की आयत की सूरत में फजाओं में खलाओं में परवाज कर गई और इंसानी ज़हनो फिक्र की सैराबी का काम आगे बढ़ गया। दोस्तों यही वो आवाज है जो दश्तो जबल वादिय कोहसार में गूंजती है तो हर जर्रे हर खित्ते से काल अल्लाह व काल रसूल की सदाए नश्र होने लगती है। यही वो आवाज है जो इंसानी ज़हनो फिक्र की सैराबी का काम आगे बढ़ जाता है। मेरे दोस्तों इसी आवाज के ताल्लुक से गजल के एक शायर ने तंजिया लहजा इख्तियार करके कहा था कि जो सबसे जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमा के सहीफे को निगहबा नहीं पढ़ते, और ये कैसे मुसलमान हैं जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ते हैं कुरान नहीं पढ़ते। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों इसी तनाजुर के अंदर एक शेर के करम अल्लाह का है साहिब ईमान के ऊपर, करम अल्लाह का है साहिब ईमान के ऊपर, गिरेंगी बिजलियां लाहौल की शैतान के ऊपर, के करम अल्लाह का है साहिब ईमान के ऊपर, गिरेंगी बिजलियां लाहौल की शैतान के ऊपर, और कसम अल्लाह की हम जान की बाजी लगा देंगे अगर उंगली उठाएगा कोई कुरान के ऊपर, कसम अल्लाह की हम जान की बाजी लगा देंगे अगर उंगली उठाएगा कोई कुरान के ऊपर। ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं हर दिल आशिक की आवाज है, हर साहिबे ईमान के दिल से उठने वाली आवाज है जो फिजाओं में जब गश्त करती है गूंजती है तो इंसान को एक अपनी मंजिल अपना रास्ता नजर आता है।